हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। आज हम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो निकल रहा है महिला एवं बाल विकास में। तो यहाँ कुल आपको 2046 पोस्ट मिल रही है, 5वीं 8वीं 10वीं योग्यता प्राप्त कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको बेसिक की जानकारी दे देते हैं। देख सकते हो महिलाओं एवं बाल विकास में सीधे भर्ती, इसमें किसी प्रकार की परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। सिलेक्शन होगा आपके 5वीं 8वीं के 10वीं के प्राप्त अंकों से। तो यहाँ कुल पद वैकेंसी, यहाँ देख सकते हो कुल पदों की संख्या आपको मिल रही है 2046 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की आपको जो पोस्ट, रोजाना सरकारी नौकरी की वीडियो पाने के लिए चैनल को आपको यहाँ से सब्सक्राइब करना है मित्रों, यहाँ देख सकते हो सब्सक्राइब करना है तथा साथ में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे इस बेल आइकन को दबाना तथा साथ ही इस वीडियो को यहाँ से लाइक जरूर करना है। मिल रही है 809 वैकेंसी मिल रही है, और आंगनवाड़ी सहायिका की यहाँ आपको जो वैकेंसी मिल रही है 1120 वैकेंसी, और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की यहाँ आपको 177 वैकेंसी मिल रही है। अब बात कर लेते हैं आपकी इसमें एज क्या रखी गई है, आयु क्या रखी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हो 18 से लेकर 45 ईयर्स के बीच यदि आपकी एज है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ तो जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार छूट दी जा रही है। ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को यहाँ जो छूट मिल रही है वो 5 साल की छूट मिल रही है, आप यहाँ देख लेना। इस प्रकार हम बात करते हैं आपकी आयु की गणना कब से की जाएगी। तो मतलब यहाँ ये जो आपको डेट दिखाई दे रही है, आयु की गणना की जाएगी 1-1 जनवरी 2018। तो 1 जनवरी 2018 को आप कम से कम 18 साल के हो, ठीक है मित्रों, कम से कम 18 साल के हो, और अधिकतम आपकी एज होनी चाहिए 42 के, ठीक है मित्रों। और जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार छूट मिल रही है। तो आपकी जो एज की गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2018 से कम 18 और अधिकतम 42 यदि आपकी एज है तो इसमें आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है 5वीं 8वीं 10वीं, ठीक है मित्रों। हम आपको नेक्स्ट में आगे वीडियो में बता देंगे कि आंगनवाड़ी सहायिका के लिए क्या योग्यता रखी गई है, कार्यकर्ता के लिए क्या योग्यता रखी गई है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ बात करते हैं इसमें आवेदन शुल्क, तो आपसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल फॉर्म आपको फ्री में अप्लाई करना है। किस प्रकार फॉर्म भरना है हम आपको ये जानकारी भी जो अपडेट देते रहेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा। तो आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है आप यहाँ देख सकते हो मेरिट के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, किसी प्रकार की इसमें इंटरव्यू एग्जाम वगैरह नहीं होगी। केवल आपका जो 5वीं 8वीं की जो प्राप्त अंक है उनके आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो इस विज्ञप्ति के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या आपकी योग्यता रखी गई है। तो यहाँ देख सकते हो मित्रों इस पीडीएफ में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, 3-4 पेज की पीडीएफ है। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पीसी में डाउनलोड करना है या किसी रोजगार सेंटर पे जाके आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेनी है, या संबंधित जिले के मैं आपको नंबर देने जा रहा हूँ उस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हम आपको जो नंबर है वो दिखा देते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हो www.mpwcdmis.government.in पे जाके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, संबंधित जो जिले हैं उनकी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो मित्रों जैसे कि भोपाल है तो भोपाल में यहाँ आपको आगे नंबर मिल रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। जैसे कि मुरैना या में आपको ये नंबर मिल रहे हैं, तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन पे जो अपनी सहायता है वो ले सकते हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो यदि आप इन जिलों से बिलोंग कर रहे हैं, जो आप ये कितने हैं 51 जिलों के लगभग ये लिस्ट आ गई है, यदि आप 51 जिलों से जो है बिलोंग करते हो जैसे नीमच, रतलाम, उज्जैन, तो एमपी से यदि आप अपना जो मूल निवास है तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें। और यहाँ देख सकते हो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी मित्रों, यहाँ देख सकते हो आपको किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपका नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा 10-10-2018 को 5 बजे, और जो अंतिम आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है वो है 5/9/2018, 11 से शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और जो आपती है दावे में प्रस्तुत करने हैं वो यहाँ देख सकते हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी यदि आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई करोगे। तो यहाँ देख सकते हो आपको सबसे बड़ा ज्वाइनिंग कब मिल जाएगी इस भर्ती प्रक्रिया में, तो 10/10/2018 को आपको इस भर्ती प्रक्रिया में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मित्रों ये था आज का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अपने राज्य के गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।